जय हिंद एवरीवन। जैसा आप हमारा यूट्यूब थंबनेल देखे, एआरओ लखनऊ के लिए इंडियन आर्मी रैली भर्ती कब आपकी होने वाली है, ये सारी जानकारी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ बताऊंगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी एआरओ लखनऊ के लिए इंडियन आर्मी रैली भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गया है, ऑफिशियल नोटिस आया है या नहीं आया है। तो वो चेक करने का तरीका बताऊंगा, ताकि ये एग्जैक्ट टाइम पे ऑफिशियल नोटिस देखेंगे तो सही से आप आवेदन कर सकेंगे। आप अपने मोबाइल में भी चेक कर सकते हैं। दूसरा, मैं आपको बता दूं कितना का बैच वहां बनेगा, टाइमिंग क्या दिया जाएगा, इस बार जो आपका भर्ती चलेगा और एवरेज कितने बच्चों को क्या पकड़ा जाएगा, ये सारी जानकारी आपके साथ शेयर करने वाले हैं एआरओ लखनऊ में इंडियन आर्मी रैली भर्ती जो आपका होने वाला है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वर्ष के हिसाब से तो अभी तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, लेकिन अब मेरे समय से इस वर्ष तो आपका भर्ती ना ही के बराबर अब ऐसा चांस लग रहा है, क्योंकि रैली भर्ती अगर इस वर्ष होता तो भाई अब क्या, अब आज आपका 8 दिसंबर हो गया, तो उसके बाद ऑफिशियल नोटिस के बाद आपको कम से कम 45 डे के बाद आपका होगा रैली भर्ती, कम से कम ये टाइमिंग के बाद। तो अभी तक तो ऑफिशियल नोटिस भी नहीं आया है और ये आपका दिसंबर महीना भी चल रहा है, तो इसके बाद समझ में यही आ रहा है कि शायद आपका नेक्स्ट ईयर में आ सकता है। ये एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यार अभी जो हिसाब से माहौल चल रहा है, ओमिक्रॉन भी देखने को पड़ जा रहा है देश में, और यार COVID-19 को माहौल को देखते हुए तो ये एग्जैक्ट बोलना मुश्किल है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा वो आपको चेक करते रहना। सबसे पहले आपको इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट पर आना पड़ेगा। जैसे ही आप इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं तो कई सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो ये इसको स्क्रॉल करते हुए थोड़ी नीचे आपको आना पड़ेगा। जैसे ही आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर JCO/OR लिखा गया है, तो JCO/OR के नीचे थोड़ा नीचे में आपका व्यू ऑल लिखा हुआ होगा, तो उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही उस पर आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पे जितना भी जो भी एआरओ के लिए लेटेस्ट में नोटिफिकेशन आउट किया जाता है रैली भर्ती को लेकर, तो उस जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको भी ऐसे ही हर वक्त चेक करते रहना है JCO/OR वाले ऑप्शन में जाके, ताकि आपको रियल इन्फॉर्मेशन और सही से पता चल सके एआरओ लखनऊ के लिए इंडियन आर्मी रैली भर्ती को लेकर। वहाँ पे आपको ये भी जैसे ही जारी किया जाएगा नोटिस ने एआरओ मतलब लखनऊ की रैली भर्ती को लेकर, तो उस जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको बताया चेक करने का तरीका, तो अब आपको चेक करने का तरीका समझ में आ गया होगा। दूसरा, मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पर बैच कितना का बनेगा। तो बैच जो आपका रहेगा 250 आपका 200 यही के आसपास बैच बनेगा। जितना जगह भी अभी रैली भर्ती पिछले साल हुआ था तो 250-200 इतना ही का बैच बना था, तो इतना ही के हिसाब से आपको होम ग्राउंड पे भी तैयारी करना है। बाकी टाइमिंग क्या, तो 5 मिनट से ज़्यादा आपका टाइमिंग के हिसाब से आपको तैयारी नहीं करना है, 5 मिनट के अंदर या 5 मिनट के एवरेज लेके अभी आपको टाइमिंग की तैयारी करना है, क्योंकि यार रियल में बहुत कम बच्चे को वहाँ पर टाइमिंग दिया जाता है रैली भर्ती को लेकर, और जो हिसाब से अभी सब कुछ माहौल चल रहा है वो हिसाब से आपका टाइमिंग बहुत ही कम दिया जा सकता है। इसीलिए आपको कम टाइमिंग में होम पे तैयारी करना है और डिफिकल्ट पॉइंट पे सबसे बैठना, सबसे लास्ट में बैठना और सबसे पहले निकलने की कोशिश करना है। लेकिन रैली भर्ती में सबसे आगे बैठने की कोशिश करना है और सबसे आगे निकलने की भी कोशिश करना है, और होम ग्राउंड में उसका जस्ट उल्टा करना है, ताकि आप कहीं पे भी रैली भर्ती में बैठ जाएंगे पीछे आगे तो वहां पे आसानी से आप निकाल लेंगे, रनिंग क्वालिफाई कर देंगे, अगर आप जितनी मेहनत से और जितने डिफिकल्ट पॉइंट पे होम ग्राउंड पे और सबसे पीछे बैठे होंगे तब आसानी से रनिंग में पास करेंगे जब आपका रैली भर्ती होगा तब। ठीक है, तो वहां पे टाइमिंग के बारे में मैं एग्जैक्ट नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि अलग अलग के हिसाब से, अलग अलग बैच के हिसाब से अलग अलग बच्चे बोलते हैं, और बैच तो कितना बच्चों का बैच बनता है वो भी समझ के, और क्या वहाँ पे मतलब कितना बच्चों को पकड़ा जाता है, तो भाई ये पकड़ा जाता है ये एग्जैक्ट बोलना मुश्किल है। कभी कभी कोई बैच में 20 भी लिया जाता है, 25 भी लिया जाता है, कभी कभी 15 भी लिया जाता है, कभी कभी 40 भी लिया जाता है, 45, तो एक एवरेज देखा जाए तो 30-35 इस टाइप से आपका रहता है जो बच्चे को पकड़ा जा रहा है। तो ये मेरे पास रियल इन्फॉर्मेशन था, ऐसा नहीं कि मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई इतना जनवरी से या इतना फरवरी से रैली भर्ती आपका शुरू होने वाला है एआरओ लखनऊ के लिए, नहीं, जो मेरे पास था वही मैं आपके साथ शेयर किया। कैसे आपको पता चलेगा, रियल इन्फॉर्मेशन अब आपको समझ में आ गया होगा। हर वक्त आपको इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपने मोबाइल के माध्यम से चेक करते रहना पड़ेगा, वहां से जैसे ही ऑफिशियल नोटिस जारी किया जाएगा तब आपको ऑनलाइन करना है, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स बनवा के जाइए इंडियन आर्मी की रैली भर्ती में। जैसे ही ऑफिशियल नोटिस जारी किया जाएगा तो हम सबसे पहले आपको वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। जय हिंद जय भारत।